नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे आरआरबी पीओ आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। क्या आरआरबी पीओ आईबीपीएस पीओ से बेटर है? क्या क्लर्क के अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कौन सा क्लर्क आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा? तो देखिए, मैं सबसे पहले आरआरबी पीओ की बात करता हूँ। अगर आप होम स्टेट चाहते हैं तो आरआरबी आपके लिए बहुत बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू आईबीपीएस पीओ। क्योंकि आरआरबी पीओ अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे अभी नोटिफिकेशन निकल रखा है, आप अपना ही स्टेट को फर्स्ट प्रेफरेंस पे दें। अगर वो स्टेट मिलता है तभी आप आरआरबी ज्वाइन करें, दूसरा स्टेट मिलता है तो आप आरआरबी बिल्कुल ज्वाइन मत करें। क्योंकि एक बार आप बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया, अगर आपने सोच लिया कि मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर आना है, और आपका मान लो जैसे मैं राजस्थान से हूँ, आपका सिलेक्शन राजस्थान की जगह यूपी से हो गया, मेरा सिलेक्शन मान लो यूपी के अंदर हो गया, पंजाब में हो गया, उत्तराखंड हो गया, अगर मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली तो आगे की स्टडी करने का टाइम नहीं मिलेगा, मैं उसी स्टेट के अंदर फंसा रह जाऊंगा। ये आरआरबी का मेजर ड्रॉबैक है। आईबीपीएस का इसी को एडवांटेज रूप में देख सकते हैं। आज नहीं तो कल आपको आपका स्टेट एक बार देखने को जरूर मिल जाएगा। यही इसका आईबीपीएस का ड्रॉबैक है। ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग कभी भी कहीं भी हो सकती है। आरआरबी में है कि आपका स्टेट रहेगा। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी दोनों में बराबर है, बेसिक पे बराबर है, 1 रुपए का भी अंतर नहीं है। जीआईबी सीआईबी दोनों का इंक्रीमेंट आपको बराबर मिलता है। बट जो पर्क्स हैं, आईबीपीएस जो पर्क्स देता है वो आरआरबी आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकता। फर्नीचर अलाउंस हो गया, लीज अकोमोडेशन हो गया, 23,500 रुपए तक आपको अकोमोडेशन मिलता है। कुछ बैंक्स तो आपको मोबाइल फोन का भी अकोमोडेशन देते हैं 10,000-20,000 रुपए तक का। एसबीआई की तो बात ही छोड़ो यार, बहुत सारे एडवांटेज देते हैं। आरआरबी में आपको वो सब देखने को ना के बराबर मिलेंगे। तो ये डिसएडवांटेज है। आरआरबी का बस एक ही एडवांटेज है कि आपका आपका स्टेट ही पोस्टिंग रहेगा, स्टेट से बाहर आप कभी भी नहीं जा सकते। अगर मैं क्लर्क की बात करूं, अगर आप क्लर्क माइंडसेट से मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, देखो क्लर्क में आपको सैलरी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, प्रमोशन आपका कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको आपका स्टेट, आप मतलब क्लर्क का एग्जाम देते हैं तो स्टेट ही दिए, आईबीपीएस दीजिए, आरआरबी दीजिए, एसबीआई दीजिए। फर्स्ट प्रेफरेंस मैं एसबीआई को दूंगा, सेकंड प्रेफरेंस आईबीपीएस को, थर्ड प्रेफरेंस आरआरबी क्लर्क को। आपको आपका स्टेट प्लस कुछ साल बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा। अगर आप लड़की हैं तो मान के चलिए आपका डिस्ट्रिक्ट पक्का है, पक्के से पक्का आपका, आज नहीं तो कल। तो क्लर्क के लिए सबसे एडवांटेज यही है। बाकी मैंने बता दिया सैलरी पर्क्स वगैरह। ग्रोथ के परस्पेक्टिव में बात करें तो यार आईबीपीएस फार बेटर है। इसमें देखो, जहां ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे वहां पे एक पिरामिड शेप होता है। सबसे ज्यादा मतलब जो लोअर पोस्ट पे बहुत ज्यादा लोग, जैसे जैसे पोस्ट ऊपर जाती रहती है वैकेंसीज लिमिटेड होती रहती है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज्यादा लोग होंगे वहां पे उतनी ज्यादा ही अपॉर्चुनिटी होगी। आरआरबी में अपॉर्चुनिटी कम होती है, बस एडवांटेज ये है कि आपका स्टेट रहेगा। बाकी अगर मैं जैसे आई बी इन टू कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, मुंबई में था, यूनियन बैंक में था, और नोएडा, सो मैंने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है, मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो मुझे अब होम स्टेट अपना चाहिए। तो यार देखिए, हर किसी का माइंडसेट होता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया था कि आपको क्यों बैंक इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, वो भी आप जरूर देखिए। यूट्यूब पे आपको लिखना है डोंट ज्वाइन बैंक, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने डिसएडवांटेज बताया। एडवांटेज यही है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो यार कोई भी कुछ भी मिले ज्वाइन कर लो, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बेकार चीज है और इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही, जब से हमारा मतलब एक प्राइवेटाइजेशन ये आ रखा है। और बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यार एसबीआई है, आज के टाइम एसबीआई है। अगर आपके अंदर गट्स हैं, आपके पास टाइम है, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, सेबी, इनकी आप तैयारी करें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।